Hello and welcome back everyone. So if you remember in the last lecture we have used that x cube plus 1 not x cube plus 1 we have seen that x to the power p minus not x to the power p also it was x to the power n minus p is irreducible over q is irreducible over q where p is prime irreducible over q right where p is prime where p is prime राइट पी इज प्राइम अगर पी प्राइम है तो एक्स टू द पावर एन माइनस पी इरिड्यूसिबल था लास्ट लेक्चर में हमने इसको यूज किया था मैंने क्या बोला था कैसे इरिड्यूसिबल बाय आइंस्टीन्स क्राइटेरियन अब बात करते हैं कि आइंस्टीन्स क्राइटेरियन होता क्या है जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इज आर इरिड्यूसिबल ओवर क्यू तो इस क्वेश्चन में आई थिंक दो या तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप आइंस्टीन्स इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरियन जो है उससे आप कर सकते हो तो समझते हैं कि आइंस्टीन्स इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरियन है क्या ओके लेट मी राइट इट आइंस्टीन इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया क्राइटेरिया ठीक है इसको ईसी बोलते हैं राइट By Eisenstein's irreducibility criterion. So, what is Eisenstein's irreducibility criterion? Is let's say let f of x belongs to zx. Zx का कोई polynomial है. F of x belongs to z of x. ठीक है. And suppose f of x is equals to a0 plus a1x plus a2x square up to let me say an x to the power n. If there exists, let me say. This is irreducible over Q. F of x is irreducible over Q. Zx का polynomial ये irreducible over Q होगा. This is irreducible over Q if there exists a prime p such that एक prime number p exist करना चाहिए such that P divides A0, comma P divides A1, comma P divides A2 up to P divides AN minus 1. A0 से लेके up to AN minus 1. अगर कोई भी एक ऐसा prime exist करता है जो इन सब को डिवाइड करता है comma P not divides highest degree coefficient which is AN. Highest degree coefficient को नहीं डिवाइड करता है उसके साथ में एंड अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं पी स्क्वायर इट शुड नॉट डिवाइड द कॉन्स्टेंट कोफिशियंट पी स्क्वायर नॉट डिवाइड्स ए जीरो राइट देन इट इज इरिड्यूसिबल ओके एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू इफ देयर एग्जिस्ट अ प्राइम पी सच दैट इट डिवाइड्स ऑल कोफिशियंट्स अप टू डिग्री एन माइनस वन एंड हाइएस्ट डिग्री कोफिशियंट को नहीं डिवाइड करता है प्राइम को अगर स्क्वायर कर दें तो वो कॉन्स्टेंट डिग्री कोफिशियंट को डिवाइड नहीं करता है अगर ऐसा कोई प्राइम आपको मिल रहा है तो ये पॉलिनोमियल जेड एक्स का इरिड्यूसिबल ओवर क्यू हो जाएगा ओके सो दिस इज द आइंस्टीन्स क्राइटेरियन कैसे इसको यूज करना है इस क्वेश्चन को देखते हो समझते हैं देखो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री इसमें अगर मैं लेट से पी इक्वल्स टू थ्री कंसिडर कर लूँ प्राइम पी को थ्री कंसिडर कर लिया थ्री हमारा थ्री को डिवाइड करता है कॉन्स्टेंट कोफिशियंट को थ्री हमारा सिक्स को डिवाइड करता है बहुत अच्छी बात है फिर थ्री हमारा हाइस्ट डिग्री कोफिशियंट क्या है वन है इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए थ्री नहीं डिवाइड करता है वन को राइट उसके बाद में अगर मैं थ्री का स्क्वायर कर दूँ विच इज इक्वल्स टू नाइन हाइस्ट डिग्री सॉरी कॉन्स्टेंट कोफिशियंट को डिवाइड नहीं करना चाहिए नाइन नॉट डिवाइड्स थ्री then we have 3 which satisfies all the Eisenstein's irreducibility criteria right which implies that this is irreducible over q which implies that it is irreducible over q because we have prime 3 which satisfies Eisenstein's criterion in the same way if you look for this option b 2 satisfies all the Eisenstein's criterion 2 divides 2 2 divides 6 2 1 ko divide nahi karna chahiye so p equals to 2 yahan pe आइंस्टीन्स क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर देगा अगर टू को आप स्क्वायर करते हो तो टू को ये डिवाइड फोर डिवाइड नहीं करेगा सो इट इज आल्सो इरिड्यूसिबल ओवर क्यू इसमें देखो इसमें आपका फाइव है सेटिस्फाई कर देगा सारी आइंस्टीन्स क्राइटेरियन पी इक्वल्स टू फाइव के लिए फाइव आपका थर्टी को डिवाइड करता है फाइव आपका टेन को डिवाइड करता है फाइव आपको टू को डिवाइड नहीं करना चाहिए नहीं करता है फिर उसके बाद में फाइव का स्क्वायर अगर करोगे ट्वेंटी फाइव आएगा ट्वेंटी फाइव आपका थर्टी को डिवाइड नहीं करता है सो दिस इज आल्सो इरिड्यूसिबल ओवर क्यू दे 3 are irreducible over Q.
बट अगर इसकी बात करोगे तो ये पहले ही रिड्यूस हो जा रहा है, इसके फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, एक्स क्यू प्लस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये क्यू एक्स के दो फैक्टर्स में ब्रेक हो गया, दिस आल्सो पॉलिनोमियल इनसाइड क्यू एक्स, दिस आल्सो ए पॉलिनोमियल इनसाइड क्यू एक्स, दो पॉलिनोमियल में ब्रेक हो गया, दोनों नॉन यूनिट्स हैं, इसका मतलब ये रिड्यूसिबल है, सो दिस विल बी डिस्कार्डेड, ठीक है। इस तरीके से आप आइंस्टीन क्राइटेरियन को यूज़ कर सकते हो, आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, कोई भी जेड एक्स का पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स इरिड्यूसिबल होगा क्यू में, इरिड्यूसिबल कहाँ पे होगा, क्यू में इरिड्यूसिबल होगा, अगर आपके पास एक भी प्राइम ऐसा है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कौन से कंडीशन, सारे कोफिशियंट फ्रॉम कॉन्स्टेंट टू एन माइनस वन, अगर एन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो अप टू एन माइनस वन सारे कोफिशियंट को पी डिवाइड करना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री कोफिशियंट को नहीं डिवाइड करना चाहिए, और अगर मैं प्राइम का स्क्वायर कर दूं तो कांस्टेंट कोफिशियंट को डिवाइड नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा एक भी प्राइम आपके पास है तो जेड एक्स का पॉलिनोमियल क्यू एक्स में इरिड्यूसिबल हो जाएगा या फिर ओवर क्यू इरिड्यूसिबल हो जाएगा, सो दिस इज द आइंस्टीन क्राइटेरियन, ठीक है। यूज करना आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सोचना है कि किसमें हम आइंस्टीन क्राइटेरियन लगा सकते हैं, किस में नहीं लगा सकते हैं, पर फिर भी आपको कॉमन सेंस यूज करके और सोचना है कि क्या इरिड्यूसिबल है या फिर इरिड्यूसिबल है। तो ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज आर इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स इरिड्यूसिबल ओवर क्यू है, आपको बताना है कमेंट करके कि कौन से इनमें से पॉलिनोमियल्स इरिड्यूसिबल है। सो थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कौन से पॉलिनोमियल्स इरिड्यूसिबल है। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।